आज हम करेंगे पोर्टफोलियो रिव्यू मिस्टर नमन पांडे जी का, और फटाफट से स्क्रीन पे चलते हैं और बाकी सारी बातें वहीं करेंगे। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने पहले से कुछ नाम लिखे हुए हैं, मिराय एसेट, एमर्जिंग ब्लू चिप, HDFC सेंसेक्स, और इनके आगे मैंने कुछ नाम नहीं लिखे हुए हैं। तो पहले एक बार पोर्टफोलियो पढ़ लेते हैं। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, PGM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी, क्वांट एक्टिव, क्वांट स्मॉल कैप, इनमें लमसम करा हुआ है लास्ट तीन में कोटेक डेट हाइब्रिड और SBI ब्लू चिप में। बाकी अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जहां पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं अगर आप हमसे पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो आपको एक फ्री का ऑप्शन मिलता है, आपको एक पेड का ऑप्शन मिलता है, यानी कि हमारी जो प्रीमियम सर्विस हैं वो आपको पेड सर्विसेज के रूप में मिलते हैं। लेकिन आज आपको मैं ये बताऊंगा कि पेड सर्विसेज आप फ्री में कैसे ले सकते हैं, यानी कि जो 2000, 3000 या 4000 रुपए की भी सर्विसेज हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है? और कोई कैच नहीं है, कोई अकाउंट ओपन नहीं कराना, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा तरीका है। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बाकी हमने चेंजेस क्या किए हैं, इस पोर्टफोलियो में गड़बड़ क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपने एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो ले रखा है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसने एक बार परफॉर्म किया था, उसके बाद जो इनका स्टॉक सिलेक्शन है एक्सिस के बाकी म्यूचुअल फंड से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है? मेनली ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो हम इस कैटेगरी में बाकी अच्छे फंड्स भी ले सकते हैं। PGM इंडिया मिड कैप और क्वांट एक्टिव, इन्होंने दो SIPs और चला रखी हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह होती है कि मिड कैप में ही बहुत सारा पैसा चला जाएगा। हम इस चीज़ को ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, इसलिए हमने मिराय एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप लिया है जो लार्ज और मिड दोनों में पैसा डालेगा, ठीक है? उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो लार्ज में पैसा डालेगा उसके लिए सेंसेक्स फंड लिया है हमने, ठीक है? और 2500 हम इसमें डालेंगे PGM इंडिया मिड कैप में, और क्वांट एक्टिव में वही 4000। तो ये चार म्यूचुअल फंड अगर हम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो किस तरह का पोर्टफोलियो बनेगा? ओवरऑल 98% पैसा इक्विटी में जाएगा, और 10000 रुपये में से HDFC सेंसेक्स, मिराय एसेट एमर्जिंग, PGM इंडिया मिड कैप, क्वांट एक्टिव में जो चेंजेस हैं, जो उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनेगा वो क्या बनेगा? मीडियम कैपिटलाइजेशन बनेगा, ग्रो स्टाइल बनेगा, टोटल 50% पैसा आपका लार्ज कैप कंपनीज़ में जा रहा है, 42% मिड कैप कंपनीज में, और 7.26 हमारा जा रहा है स्मॉल कैप कंपनीज में, ठीक है? तो अब आगे चलने से पहले और चीज़ें आपको बताने से पहले ये भी चलो ये बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से पेड सर्विसेज फ्री मिलेंगी, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा आपका पैसा इंडिया में डल रहा है, आपका US मार्केट और कहीं पे भी पैसा नहीं डल रहा, ठीक है? बाकी जिनको पेड सर्विसेज लेनी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए तरीका ये है कि हमारी स्टॉक वाली वीडियो जाके देखिए, वहाँ सिर्फ 3 सवालों के जवाब देने हैं। 3 सवालों के जैसे ही आप 3 अलग अलग कमेंट में जवाब देंगे आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, और उसमें कोई भी कोई भी टर्म एंड कंडीशन ये नहीं है कि आप पहले जाएंगे, आपके सवाल सही होने चाहिए, कोई सही गलत का भी खेल नहीं है। बहुत आराम से आप बहुत सिंपल सी आपके ओपिनियंस हैं जो हमारे लिए मैटर करते हैं, और जो उन ओपिनियंस के बदले आपको फ्री में सर्विस मिल जाएगी, ठीक है? बस इस वीडियो को आप पूरा देखते जाना, क्योंकि आगे सेक्टर डिवाइड कर रहे हैं, सेक्टर किस तरह से बहुत अच्छे अच्छे फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, केमिकल, ये सब के सब आप ये लगा लीजिए टॉप 6, टॉप 7 में आ गए। केमिकल सेक्टर भी आ गया, टेक्नोलॉजी भी आ गया, हेल्थ केयर भी आ गया। जनरली ये सेक्टर इतनी ऊपर नहीं दिखते, स्पेशली केमिकल सेक्टर, ठीक है? यहाँ पे आपको सभी सेक्टर अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे डिवाइड हुए दिख रहे हैं। इक्विटी की बात करूं तो टॉप में HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ITC, लार्सन टोबो, टाटा कम्युनिकेशन, द फेडरल बैंक, ये सब टॉप के स्टॉक्स हैं जो आप इनडायरेक्टली होल्ड कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ इनडायरेक्टली होल्डिंग, ठीक है? 6.7, लगभग 2% लार्सन एंड टोबो, ये सभी जो स्टॉक्स हैं ना, ये आप इनडायरेक्टली वैसे ही ओवरऑल बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, यहाँ तक बात करूँ तो, ठीक है? उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाऊँ, ये वो स्टॉक हैं जिनको आप ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहे, आप डायरेक्टली इनको बाय कर सकते हैं, एक अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उनमें से एक है एशियन पेंट्स, ठीक है? इसको आप बाय कर सकते हैं। बाकी अपनी रिसर्च आपको खुद करनी है, ये सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ जिनका एक्सपोजर आपके पास कम है, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है ना? बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा ग्रोथ स्टॉक है, एफल इंडिया, टाइटन कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्राइसिल, और इसमें से ये है बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाला स्टॉक, ये है वैल्यूएशन वाला स्टॉक। इन सब चीज़ों को देख के आप अपना एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बाकी आपको हमारी कोई हेल्प की ज़रूरत है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।